हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास सेवन का जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आपका चल रहा है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लवेस्ट फॉर्म। सबसे पहले आपके पास जो नंबर दिए गए होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको लवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो लवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जब आपके पास न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से उड़ता है तब तक आपने उड़ाना है। जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से नहीं उड़ेगा वही आपका लवेस्ट फॉर्म होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 7 × 3/5। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। 7 × 3 = 21 और 5 × 1 = 5। अब इसी को आपने रिड्यूस करना है लवेस्ट फॉर्म में। तो लवेस्ट फॉर्म की बात करेंगे तो 5 और 21, ना तो देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को उड़ा सके, ठीक है। तो ये ही आपका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म, या आप इसको बोल सकते हो लवेस्ट फॉर्म। सो कभी कभी ऐसा भी आता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। बी कितना आएगा? 21/5, बिकॉज कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों नंबर्स को उड़ा रहा है। मतलब ये है कि एच सी एफ यहाँ पर कितना है? 1। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 2 × 2/3 × 4। तो अपान में आप यहाँ पर 1 लगा सकते हो, ठीक है, सोल्यूशन करा रहा हूँ मैं। सो 2 × 4 = 8, 3 × 1 = 3। इन दो को भी आप नहीं कर सकते लवेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब सपोज करो कि अगर आपको बोलते हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, कौन सा फ्रैक्शन? मान लीजिए अगर इसको लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो बिल्कुल इजी है, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास जो बचा है वो आया है कितना? 21/5। इसको आपने कौन सा फ्रैक्शन बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका वो होता है QR/D। ये क्यू जो है आपका कोशेंट, R रिमाइंडर और D डिवाइजर। तो यहाँ पे करूँगा मैं 21 को 5 से जब आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 × 4 = 20। सो माइनस करेंगे कितना आ गया? 1। दिस इज रिमाइंडर, कोशेंट एंड डिवाइजर। अगर इसी को आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा? पहले Q लिखना है, व्हाट इज़ Q? 4। फिर आप लिखेंगे अपान, 4 के साथ में अपान रखना है, और जो R का वैल्यू है वो कितना है? 1, और डिवाइज़र आपका हमेशा नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। मतलब इस फॉर्म में आप लिखोगे QR/D, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, ठीक है ना। तो 4 complete 1/5। अगर आप इसको फिर से इस फॉर्म में लाएंगे 5 × 4 = 20 + 1 = 21 और अपान में 5, ठीक है ना। सो इसी तरीके से अगर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जो पार्ट हमने किया था, कितना आंसर आया था? 8/3। इसको आपने किस फ्रैक्शन में लिखना है? मिक्स फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे? 8 को डिवाइड करोगे आप 3 के साथ, सो 3 × 2 = 6, क्योंकि 3 × 3 = 9 जाएगा, इससे बड़ा नहीं ले सकते, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2। रिमाइंडर कितना? 3 × 2 = 6, 8 − 6 कितना? 2। ये कोशेंट, ये डिवाइजर, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे आएगा? QR/D। तो व डाल दो वैल्यूज, व्हाट इज़ Q? 2। व्हाट इज़ R? 2। सो D की वैल्यू जो डिवाइजर है दैट इज 3। सो 3 × 2 = 6 + 2 = 8/3। तो इस तरीके से आपने मिक्स फ्रैक्शन, लवेस्ट फॉर्म भी मैंने आपको बोल दिया, लवेस्ट फॉर्म और मल्टीप्लाई करना भी मैंने सिखा दिया।
तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो एज इट इज़ है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है आपको क्या करना है, फाइंड करना है वन बाय टू ऑफ, पहला पार्ट आपके पास दिया है 24 और दूसरा पार्ट आपके पास दिया है 46। सॉल्यूशन वन बाय टू, जहाँ पे भी ऑफ आपको मिलेगा दैट मीन्स मल्टीप्लाई, ये पहले पार्ट का आंसर है। वन बाय टू ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो आगे कितना है 24 अपान वन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमने पीछे किया एज इट इज़, 24 इंटू वन 24 अपान में टू वन जार टू। देखो अब ये लवेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 से 24 उड़ रहा है, तोड़ा दो, टू वन जार टू, ठीक है, टू टू जार फोर, कितना आ गया 12 अपान वन भी लिख सकते हो, अगर वन नहीं लिखना चाहोगे तो तब भी अंडरस्टूड है। इसी का सेकंड पार्ट वन बाय टू से ही, वन बाय टू ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई और सेकंड पार्ट में कितना दिया है 46, इसको अपान में वन, दैट इज इक्वल टू 46 को वन के साथ मल्टीप्लाई 46, टू वन जार टू, कितना आ जाएगा यहाँ पे, सो टू टू जार फोर और टू थ्री जार सिक्स 23/1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, उतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में मल्टीप्लाई, ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से करना है, लेकिन चलो एक दो पार्ट हम इसके कर लेंगे। जैसे ए पार्ट आपके पास है 3 × 5 = 1/5, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 upon 1 मल्टीप्लाई 5 × 5, 5 × 5 25 + 1 26 और अपान 5, ठीक है, डिवाइजर एज इट इज रहेगा 5 × 5 25 + 1 26 upon 5। यहाँ पे इसको करोगे आप 3 × 6 18 कैरी 1, 3 × 2 = 6 और 1 जो कैरी था 7 / 5, ये तो आ गया आपका फ्रैक्शन। इसी का अगर आपने आप मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, क्या लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, साइड पे आपकी कॉपी के साइड पे आप क्या करेंगे 78 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, सो 5 × 1 = 5, तो 7 में से 5 निकालोगे तो 2, फिर किसकी टर्न आएगी 8 की, 8 को नीचे उतारेंगे आप तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो 6 वाला तो आप ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा हो रहा है, सो 5 × 5 = 25, तो 8 में से 5 निकालोगे तो 3 और 2 में से 2 0 ख़त्म, तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर कोशेंट और ये डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, Q R/D, सो दिस इक्वल टू क्यू, कोशेंट जो आपके पास है 15, ठीक है, फिर 15 के रिमाइंडर अगर आप देखोगे कितना 3, फिर डिवाइजर आपका 5, ठीक है, 5 × 15 = 75 + 3 78/5, तो वही आपको मिला। सो ये आपका है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। एक पार्ट और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो इसके लिए आपको टेबल बिल्कुल याद होने चाहिए, टेबल सारे आपको आने चाहिए, अदरवाइज ये बिल्कुल भी आपको नहीं आएंगे अगर टेबल आपको नहीं आते हैं। 4 × 6 = 1/3 = 4 के नीचे 1,
मल्टीप्लाई 3 × 6, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 3 × 6 18 प्लस 1 19 अपॉन 3, तो दिस इज इक्वल टू 9 × 4 36, कैरी कितना 3, 4 × 1 4 और 3 7, दैट इज 76 अपॉन 3, 3 × 1 = 3, 76 अपॉन 3। अब क्या करोगे आप, इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्यू आर बाय डी, ये जो अपान आप लगा रहे हो ये क्यू के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब देखो 76 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 × 2 = 6, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, उतारेंगे 6 को 16, सो 3 × 5 = 15, कितना बचा 1, दिस इज रिमाइंडर कोशेंट एंड डिवाइजर, क्यू का वैल्यू 25, तो यहाँ पे क्यू की जगह, ठीक है, 25 के सामने बिल्कुल अपान डालना है आपने, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर, दैट इज 1, और डिवाइजर आपका 3। अगर इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे 25 × 3 = 75 + 1 = 76 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसमें जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं, इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कराए हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके हैं, रिपीट हुए हैं वहाँ पे, तो वो क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके क्वेश्चंस नेक्स्ट होंगे, सो थैंक यू।